हेलो फ्रेंड्स, हेलो। तो हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े व्हाट इज मैट्रिक्स, देन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग दो तीन ठो पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? रो मैट्रिक्स पढ़े थे, कॉलम मैट्रिक्स पढ़े थे और स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े थे, और आज पढ़ेंगे नॉल मैट्रिक्स। नॉल मैट्रिक्स क्या है? राइट डाउन, इफ द एलिमेंट्स इफ द ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो, देन दैट मैट्रिक्स is known as null matrix. Okay, that means अगर कोई matrix का element 0 0 0 0, तो चारों element 0 0 है। order कितना है इसका? This one is row 1, row 2, sorry, this one is column 1, column 2. तो ऑर्डर कितना हुआ? 1 2। तो हम लोग नॉल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? अगर कोई मैट्रिक्स का एलिमेंट जीरो हो जाए, हर एलिमेंट जीरो, दैट मैट्रिक्स इज नोन एज नॉल मैट्रिक्स। देन राइट डाउन यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, तो यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। किसे किसे बोलेंगे? इफ द डिटरमिनेंट वैल्यू of a matrix is equal to 1, then that matrix is known as unit matrix or identity matrix. First point. Second, क्या है मैं समझा रहा हूं? सेकेंड, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज कैपिटल आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग इसमें डिनोट करेंगे आई में। दैट मीन्स आई 2 into 2, दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2 क्या होगा? 1 0 0 1। अगर इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट हट जाएगा, बट हम लोगों का वर्टिकल लाइन आ जाएगा, और इसमें अप एंड डाउन माइनस डाउन अप, 1 into 1, दैट इज 1 minus 1 0, 1 minus 0 1 minus 0 = 1। तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू आता है 1। सो 1 होने से इसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट, अगर आई 3 into 3 हम लोगों को बोला जाए, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका भी डिटरमिनेंट वैल्यू 1 होगा। दिस वन इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। So, algebra of matrix, first addition, let A is the matrix, हम लोग matrix को name, जैसे set को A, B, C देते हैं, हम लोगों का जैसे नाम अलग अलग है, उसे matrix को नाम दे रहे हैं, 1,
यहाँ पे दिए 1, 2, 5, 7 एंड बी इज अनदर मैट्रिक्स दैट इज 3, 1, 4, 2 तो दो मैट्रिक्स हम लोग लिए, ए एक मैट्रिक्स एंड बी इज अनदर मैट्रिक्स। तो हम लोग को निकालना है एडिशन। एडिशन मतलब इस दोनों को मिलाना, दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, 2, 5, 7 देन प्लस बी क्या है 3, 1, 4, 2। जब हम लोग ऐड करेंगे पोजीशन एलिमेंट इज एडेड विद द पोजीशन एलिमेंट, मतलब यहाँ पे 1, 1 पोजीशन में जो एलिमेंट है वहां पे 1, 1 पोजीशन का एलिमेंट के साथ ऐड हो सकता है, 1 + 3 हो सकता है। तो दैट इज 1 + 3, 2 + 1, 5 + 4, 7 + 2 सो फाइनली वी गेट आंसर इज 4, 3, 9, 9 दिस इज एडिशन। ओके दिस इज एडिशन। देन एडिशन के बाद आता है सब्स्ट्रैक्शन। एडिशन के बाद आया सब्स्ट्रैक्शन। राइट डाउन सब्स्ट्रैक्शन। सब्स्ट्रैक्शन में लेट ए इज मैट्रिक्स 7, 3, 2, 0 एंड B is another matrix 6, 8, 5, -3 सो हम लोग अभी सब्ट्रैक्ट करना है, A माइनस बी निकालना है। सेम पोजिशन एलिमेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पोजिशन एलिमेंट। सो 7 - 6, 7 - 6, 3 - 8, 2 - 5, 0 - -3 सो फाइनली हम लोगों को मिला 1 - 5 देन -3 अगेन 3। दिस वन गिव सब्स्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। ओके नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन विथ ए कॉन्स्टेंट। देन सब्स्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का है यहां पे। मल्टीप्लीकेशन पहले मल्टीप्लीकेशन विथ ए कॉन्स्टेंट, मल्टीप्लाई विथ ए कॉन्स्टेंट। अगर हमें कॉन्स्टेंट के इज मल्टीप्लाइड विथ है के इंटू ए। ओके सो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2, 3, 5, 7 तो हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में तो क्या होगा, दैट कॉन्स्टेंट इज मल्टीप्लाइड विथ ईच एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हर एलिमेंट के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा हम लोगों को 2k 3k देन 5k और ये हो गया 7k। ईच एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट। मल्टीप्लीकेशन विथ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, सेकेंड वन इज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। दो मैट्रिक्स के अंदर में हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सो राइट डाउन मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, यहां पर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करने के लिए यहां पर एक सिंपल लॉजिक को दिया हुआ है। यहां पर हम ले रहे हैं ए बी C, D, then multiplied with 1, 2, 3, 5, 7 तो ये हम लोग मल्टीप्लीकेशन के लिए एक चीज यहां पे नेसेसरी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। क्या है देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स होना चाहिए। यहां पे जितना एलिमेंट है
ये कॉलम में उतना एलिमेंट होना चाहिए। अगर ये दो ये रो का एलिमेंट कॉलम के एलिमेंट के साथ इक्वल हुआ तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैन बी फॉर्म, अदरवाइज इट कैन नॉट बी पॉसिबल, इट कैन नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता। सो हम लोग अभी मल्टीप्लाई करेंगे इसके ट्रिक। जो पोजिशन हम आप लोगों को बताए थे 2×2 का, उस हिसाब से पोजिशन हम लोग ऐड करके रखते हैं। पोजिशन को थोड़ा याद में दिमाग में लाके यहाँ रखते हैं। क्या था पोजिशन? 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, ये हम लोगों का 2-2 ऑर्डर का पोजिशन था। इसको कैसे हम लोग पढ़ते थे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो मल्टीप्लाई करने के टाइम उस हिसाब से हमको उसको याद रखना है। ये एलिमेंट का पोजिशन क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो फर्स्ट रो लेंगे और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम लेंगे, यहाँ पे फर्स्ट रो और वहां पे फर्स्ट कॉलम। सो ए मल्टीप्लाइड इज 2, दैट इज 2a, प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ 5, दैट इज 5b, इज द 1-1 एलिमेंट। दिस एलिमेंट इज कन्फर्म। नेक्स्ट एलिमेंट इज क्या है? 1-2। सो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो दैट इज ए इंटू 3, दैट इज 3a, प्लस बी इंटू 7, दैट इज 7b। दिस इज सेकेंड पोजिशन एलिमेंट इज कन्फर्म। नेक्स्ट वन इज 2-1, दैट इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो देन फर्स्ट कॉलम, 2×c प्लस 5×d, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3×c प्लस 7×d। ओके, सो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज सम क्वेश्चंस राइट डाउन। ये मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। रो का एलिमेंट कॉलम का एलिमेंट के साथ इक्वल है तो हम लोग कैसे करेंगे इसको? क्या है हम लोगों का? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 5×1 दैट इज 5, प्लस 3×3 दैट इज 9, कंप्लीट। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे सेकंड कॉलम है नहीं तो हम लोग सेकंड कॉलम में एलिमेंट नहीं जाएगा। यहाँ क्या है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 9×1 दैट इज 9, प्लस 2×3 दैट इज 6, तो ये हम लोगों को मिला 14 और ये हो गया 15। ओके, सो क्वेश्चन कुछ तुम लोग भी प्रैक्टिस करके आओ। दैट इज 2, 9, 1, 8, minus 8 into 3, minus 7, minus 2, 5, 5, 3, 1, 1, 2, 6. Next 2, 1, 0, 1, 3, minus 2, 1, 1, 0, multiplied with 5, 1, 6. तो ये तुम लोगों के लिए होमवर्क।